हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ स्टडी में। आज हम आपको यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर 2022 के जो वैकेंसी आई थी 25 पोस्टों के लिए, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में 25 पदों के लिए जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आई थी उसकी संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब देखिए, पहले आपको बता देते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। देखिए, इसकी जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, पद जो थे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पद थे। इसके बाद कुल वैकेंसी जो थी वह 25 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी। अब इसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ जो है किन किन बातों पर निर्भर करेगी, और लास्ट डेट जो है 28 अप्रैल थी। अब देखिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात, देखिए इस ईयर की जो कट ऑफ है यह मुख्यतः दो तीन बातों पर निर्भर करती है कि इस बार का जो पेपर आया था वह पेपर नॉर्मल बनाया गया था, पेपर जो है मॉडरेट था, और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, और न्यूमेरिकली पोर्शन बहुत कम थे। उपस्थिति जो है लगभग 74% बच्चों की उपस्थिति थी इस परीक्षा में। और इसके अलावा इसका पेपर मॉडरेट बनाया गया था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा भागने की उम्मीद है। तो इस मुद्दे पर देखते हुए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। अब देखिए, प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर भी पिछले साल 2021 की जो कट ऑफ है वह अभी लगभग इतनी ही कट ऑफ गई थी। और देखिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो देखिए 170 नंबर जो है जनरल कट ऑफ है प्रीवियस ईयर में, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 166 क्वेश्चन इसकी कट ऑफ गई है, 166.77 कट ऑफ गई है। और इसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो 2021 के ओबीसी की 167.854 कट ऑफ गई हुई है, और एससी की बात करें तो 151.7202 कट ऑफ गई थी। यानी ये कट ऑफ जो सिविल की है जो प्रीवियस ईयर 2021 की कट ऑफ है, यानी प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो 170 चली गई थी, 100 चूँकि 200 नंबर का पेपर होता है, 1/4 की निगेटिव होती है, और 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 घंटे का टाइम होता है। तो इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन में 170 नंबर कट ऑफ गई है जनरल की, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ गई 166.7 नंबर, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 167.854, एससी की कट ऑफ जो गई थी 151.702। अब देखते हैं आगे एक सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई थी 99.778 कट ऑफ गई थी। अब उसी प्रकार से हम एक और आंकड़ा देखते हैं कि 2021-22 से वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी। 2019 से देखिए, जनरल कट ऑफ जो गई थी 200 नंबर में 135.25 कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है 135.5 गई है, ओबीसी की जो कट ऑफ है 130.00 गई है, एससी की जो कट ऑफ है 122.5 गई है, एसटी की कट ऑफ जो है 106.25 गई है, और एक सर्विसमैन कट ऑफ जो है 89.5 गई है। यह मैं कट ऑफ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हर साल कट ऑफ का वेरिएशन श्योर रूप से हो रहा है। पेपर टफ आ जाता है तो कट ऑफ गिर जाती है, पेपर नॉर्मल आता है तो कट ऑफ बढ़ जा रही है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की। देखिए, आप दो तीन बातों को जान लीजिए, पेपर जो इस बार मॉडरेट बनाया गया था, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, नए क्वेश्चन बहुत कम आए थे, और क्वेश्चन जो भी थे इजी थे, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम पूछा गया था, क्योंकि 1/4 की निगेटिव है और इसमें टाइम पर्याप्त मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, और मात्र 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कट ऑफ बनाई गई है, और उपस्थिति 74% के करीब बच्चे इस परीक्षा में उपस्थित थे,
क्योंकि पद थोड़ा सा कम है, मात्र 25 पद है, इसलिए कट ऑफ के थोड़ा से भागने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यूपीपीएससीएल जेई 2022 की कितनी जा सकती है। चूँकि आपको मैंने पहले और बता दिया है कि पेपर जो है जेई के कट ऑफ के लिए सिविल के लिए 200 नंबर का पेपर होता है, 1/4 की नेगेटिव होती है, और इसके अलावा जो है उपस्थिति नॉर्मल थी और पेपर जो है मॉडरेट था। उसके अनुसार अगर देखा जाए इस बार जो कट ऑफ है 200 नंबर के पेपर में जनरल की जो कट ऑफ है 140 नंबर से 150 नंबर के बीच में वैरी करेगी। आप इसमें जो है प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एससी की कट ऑफ की, तो एससी की कट ऑफ जो है 110 से 120 नंबर के बीच में वैरी करेगी और इसमें आप प्लस माइनस 5 मान सकते हैं। और एसटी की कट ऑफ में देखें तो 100 से 110 नंबर के बीच में वैरी करेगी। अब अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है 125 से 135 नंबर के बीच में वैरी करेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 130 नंबर से 140 नंबर के बीच में कट ऑफ वैरी करेगी। अब आपको एक बार फिर कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। देखिए कि यूपीपीसीएल जेई की सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। 200 नंबर के पेपर में जो जनरल कट ऑफ है वह 140 से 150 नंबर के बीच में वैरी करेगी। और एससी की बात करें तो 110 से 120 नंबर के बीच में वैरी करेगी। इसके अलावा अगर एसटी की बात करें तो 100 से 110 नंबर के बीच में वैरी करेगी। और अगर ओबीसी की बात करें तो 125 से 135 नंबर के बीच में कट ऑफ वैरी करेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 130 से 140 नंबर के बीच में कट ऑफ वैरी करेगी। ये जो कट ऑफ बताई जा रही है आप इसमें जो है प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस 5 करने के उपरांत आपका जितना कट ऑफ बन रहा है आप उसको फाइनली कट ऑफ मान करके वेरिफिकेशन के लिए तैयार रह सकते हैं। तो ये हो गया पूरा यूपीपीसीएल के बारे में कट ऑफ। आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, यानी कट ऑफ इस बार थोड़ी सी भागी है। जनरल कट ऑफ जो आप देख रहे हैं 140 से 150 नंबर की वैरी कर रही है, एसटी एससी की 110 से 120 नंबर की वैरी कर रही है, एसटी का कटऑफ जो है 100 से 110 नंबर की वैरी कर रही है, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 125 से 135 और ईडब्ल्यूएस की 130 से 140 बीच में। आप जो इसमें 100 प्लस माइनस 5 करके आप अपना नंबर मिला सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।